जोड़कर पानी की योजना, ताकि एक एक मेरे चंदेरी का वासी कभी भी 2050 तक प्यासा ना रहे, उस योजना को हम लोग ने साथ में क्रियान्वयन किया। और आज जब अगर शिवराज सिंह जी आए हैं तो खाली हाथ नहीं आए हैं। जहां एक तरफ ट्रॉमा सेंटर और नर्सिंग कॉलेज लगा था, आज वहां चंदेरी के लिए 50 बिस्तर का अस्पताल, 15 करोड़ रुपए की सौगात साथ में लेके आए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका धन्यवाद। आज केंद्र विद्यालय 18 करोड़ का चंदेरी चंदेरी में है, हमारा अस्पताल बनने जा रहा है, हमारा किला जगमगाता है, सड़कों का अंबार है, हमारा बुनकरों का विकास है। पूरे एशिया में सबसे बड़ा हैंडलूम पार्क अगर है तो वो मेरे चंदेरी में है। 240 लूम मेरे बुनकरों के लिए यहां बना है। और आज जब शिवराज सिंह जी हमारे समक्ष आए हैं तो अपने साथ, जहां एक तरफ लाडली लक्ष्मी की योजना लेके आए थे, जब बेटी जन्म होती है तो मध्य प्रदेश में बेटी बोझ नहीं, बेटी लखपति के रूप में जन्म होती है शिवराज सिंह जी के बदौलत। जब बेटी स्कूल जाती है तो उस बेटी को स्कॉलरशिप, 13 लाख बेटियों को उस मध्य प्रदेश में स्कॉलरशिप दिया है तो शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है। जब बेटी उत्कृष्ट मार्क से स्कूल से निकलती है तो बेटी को ई स्कूटी देने का कार्य राष्ट्र में किसी मुख्यमंत्री ने अगर किया था तो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। और जब बेटी की उम्र अपने घर से दूसरे घर में जाने की हो जाती है और बेटी की लग्न होती है तो कन्यादान योजना के तहत शिवराज सिंह जी ने 51,000 रुपया हर बेटी के शादी में देने का जो लक्ष्य पूर्ण किया है। और जब बेटी बहना बन जाती है, अपने घर में चली जाती है, तो लाडली बहना के योजना के आधार पर 1250 रुपया हर बहना के खाते में जून के माह से आपके खाते में पहुंच रहा है। मेरे बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट से अपने भैया का धन्यवाद दो। और अभी तो 1250 है, कांग्रेस को खुजली आ गई, बोला 1500 रुपया। तो अगर कांग्रेस नहला है तो भारतीय जनता पार्टी दहला है। शिवराज सिंह जी ने कह दिया 1250 नहीं, 3000 रुपया तक हम ले जाएंगे लाडली बहनाओं के लिए। तो आज आपको निर्णय लेना है। ये चंदेरी में 10 साल से कांग्रेस का विधायक बैठा हुआ है और कुछ तो गलती हमारी भी है, पर आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि शिवराज सिंह जी का प्रत्याशी, प्रधानमंत्री जी का प्रत्याशी, नड्डा साहब का प्रत्याशी, अमित शाह जी का प्रत्याशी आपके सामने जगन्नाथ रघुवंशी के रूप में खड़े हैं। आज सब लोग इनको अपना पूर्ण आशीर्वाद दोगे? दोगे? अगर दोगे तो हाथ उठाकर मुट्ठी बांधो। अगर शिवराज सिंह जी में विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, है? ज्योतिरादित्य सिंधिया में विश्वास है? है? तो पूर्ण बहुमत से चंदेरी के चुनाव में खड़े रहिए। जगन्नाथ सिंह जी खड़े रहिए, खड़े रहिए, बैठा नहीं है, खड़े रहिए, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया जी का। और अब हमारे मध्य प्रदेश के, विकसित मध्य प्रदेश के शिल्पीकार, लाडली करोड़ बहनों के भैया, भांजे भांजियों के प्रिय मामा जी, मध्य प्रदेश के विकास पुरुष, दोनों हाथ उठाकर मैं बड़े ही आदर से आमंत्रित करूंगा हमारे मध्य प्रदेश के जननायक माननीय शिवराज जी को। बोले जागेश्वरी मैया की, भारत माता की। चंदेरी में यहाँ उपस्थित सभी बहनों और भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी नेता जिनका मार्गदर्शन कई वर्षों से आपको मिलता है, केंद्रीय मंत्री मोदी जी के निकट सहयोगी, सदैव हमारा ध्यान रखने वाले आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी,
हमारे लोकप्रिय सांसद भाई केपी यादव जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री मेरे मित्र विजेंद्र सिंह जी, भाई जजपाल सिंह जच्ची जी, हमारे उम्मीदवार और मेरे भी जूनियर, मैं इनका जूनियर हूँ, जूनियर जगन्नाथ सिंह जी का, ये मेरे भी सीनियर है राजनीति में, आदरणीय जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी, भाई आलोक तिवारी जी जिलाध्यक्ष, हमारे दोनों साथी राव राजकुमार जी और भाई भूपेंद्र द्विवेदी जी, रविंद्र जी, नंदलाल जी, नीरज जी, उमेश जी, श्रीनाम जी, नारायण प्रसाद जी, जय कुमार सिंह जी, बहन शीला जी, मुन्नीबाई, गजराज सिंह, गजराम सिंह यादव जी, मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मैं क्षमा चाहूंगा, मेरे आज दो कार्यक्रम और है और किसी भी हालत में 3 बजे अगर मैं नहीं गया तो एक कार्यक्रम मेरा रह जाएगा, इसलिए आदरणीय मंच यहाँ चंदेरी में उपस्थित मेरे भाइयों, लाडली बहनों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार, आप सबको प्रणाम। मेरे बहनों और भाइयों, जब कांग्रेस की सरकार थी तब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, अब बनना तो और कोई को था लेकिन बन गए कमलनाथ, और जब भी उनसे कोई कहता था कि अशोकनगर के लिए, चंदेरी के लिए, मुंगावली के लिए विकास के काम करो, तो कमलनाथ एक ही बात कहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। मैंने कहा मामा कहां से खजाना खाली कर गया, हमेशा कमलनाथ रोते ही रहते थे, जब जब ज्योतिरादित्य जी सिंधिया कहते थे काम करो जनता के, तो कहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मेरे बहनों और भाइयों, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए क्या जो रोते ही रहे कि मेरे पास पैसा नहीं है? ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए क्या? देखो आज मैं आपके सामने खड़े होके पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और इसलिए अभी जगन्नाथ जी बहुत लंबी सूची पढ़ रहे थे, केपी यादव जी भी बता रहे थे, भैया 2-4 दिन तो आचार संहिता में बचे हैं, लेकिन एक काम जरूर मैं आचार संहिता के पहले स्वीकृत करूंगा, सनातन आस्था की केंद्र मां जागेश्वरी मंदिर का लोक के रूप में विस्तार किया जाएगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो जागेश्वरी मैया की, और बाकी भी जितने काम कहे हैं, अभी थोड़ा समय की कड़की है, प्रक्रियाओं में समय लगता है, लेकिन चंदेरी में, अशोकनगर में अगर विकास किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया है, आगे भी कोई कसर बहनों और भाइयों मैं नहीं छोड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी, सिंधिया जी नहीं छोड़ेंगे, हमारे सांसद जी भी प्रयत्न करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कभी भी जनता की भलाई और कल्याण की चिंता नहीं की। देखो एक तरफ रोज मुझे आप देख रहे होंगे, सवेरे निकलता हूं, देर रात तक घूमता हूं और जहां जो जरूरत होती है उसकी व्यवस्था करके आता हूं, लगातार विकास के काम। जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, कमलनाथ की सरकार भी आई थी और दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री रहे थे, बताओ विकास के इतने काम कभी उन्होंने किए थे क्या? जोर से बोल के बताओ, किए थे क्या? और जनता के कल्याण की योजनाएं, बेटी मैं बाद में लूंगा, मैं क्या जनता से दूर नहीं रह पाता तो मैं पास आ गया हूं आपके, और पास आ जाऊं? अरे जनता ही में समाना है, जनता ही में रहना है, जनता ही के लिए जीना है और जनता ही के लिए मरना है, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ऐसी कई योजना पहले और थी, कमलनाथ ने सब बंद कर दी थी, तभी तो सिंधिया जी ने छोड़ दी कांग्रेस, एक भी काम नहीं कर रहे थे, एक भी काम।
राम राम और दादागिरी अलग करते थे तो सिंधिया जी ने उस सरकार को गिरा के फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का पुण्य किया और उसी का परिणाम आज मैं बताना चाहता हूँ। इन्हें कन्यादान योजना बंद, इन्हें तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी, लाडली लक्ष्मी के खाते में पैसा पहुंचना बंद हो गया था, मेरे भांजे भांजियों के कंप्यूटर लैपटॉप कमलनाथ ने छीन लिए थे, लेकिन मेरी बहनों आप इतनी मेहनत करते हैं, योजना मैंने बनाई अपनी सब बहनों से कहना चाहता हूँ स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा। कई बार जब हजार दो हजार रुपया की जरूरत पड़ती थी तो बहनों को हाथ फैलाना पड़ता है। सोनीपत में गाँव में कैसा है लोगों का स्वच्छता का मैं विश्वास करता हूँ। थोड़ा ज्यादा मुझे किताब दिला दो, माँ मुझे और कोई चीज दिला दो, कपड़े दिला दो, तो माँ की इच्छा होती कि नहीं कि बेटा बेटी को दिला दूं। फिजिकल और जब पैसे नहीं होते तो दिल में तकलीफ होती है कि नहीं, अरे बताओ होती है कि नहीं, आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं। और मैंने बहनों का वो ही दर्द मेरी बहनों देखा था, ये मेरी लाडली बहन सेना बैठी है, वो ही दर्द मेरी बहनों देखा था। मुझे लगा कि शिवराज तू भैया है सबका, मैं मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आया, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ, परिवार ये परिवार है मेरा, ये बहनें भी मेरे परिवार का हिस्सा है, सरकार नहीं मैं परिवार चलाता हूँ, परिवार आप मेरी बहनें हैं। अच्छा बताओ मेरी बहनों ईमानदारी से पीछे तक बताना साहब, मैं मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया, और जोर से बताओ, मैं तो भैया हूँ, भांजे भांजियों का मामा हूँ, और भैया का ये फर्ज था कि बहनें अगर तकलीफ में है तो बताओ सबसे पहले कौन की तरफ देखती है, अरे कौन की तरफ देखती है, मेरा भैया।